नवरात्रि का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, इसे आप बना के खा सकते हो या आप नॉर्मल डेज पे सब्जी की तरह भी बना सकते हो। ये कोफ्ता की रेसिपी है। उसके लिए मैंने कच्चे केले लिए हुए 8, उसको इस तरह से 2 पीसेस कर लेंगे और फिर उसमें पानी डाल के उसको 4 वसल के लिए पकाने रख देंगे। मैंने इस तरह 3 ग्लास पानी दिया हुआ है। 4 विसल बाद हमारे कच्चे केले अच्छे से पक चुके हैं। उसका हम कवर निकाल देंगे इस तरह से और फिर मैशर की मदद से मैश कर लेंगे सारे केले को। अभी उसमें मसाले कर लेंगे। उसके लिए मैंने हल्दी, हींग और नमक डाला हुआ है और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी कोफ्ता के लिए मैं बॉल्स बना रही हूँ, तो इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे और फिर बीच में एक हरी मिर्ची का टुकड़ा रखोगे और पनीर के क्यूब रखेंगे और फिर वापस बॉल को इस तरह से पैक कर लेंगे। इस तरह से हम सारे केले के बॉल्स रेडी कर लेंगे। ये रेसिपी में जितनी क्वांटिटी बताई गई है वो 6 लोगों के लिए है। ये रेसिपी आप चौमासा में भी बना सकते हो सब्जी की तरह। एक मज़ेदार रेसिपी है, इसे एंड तक आप ज़रूर देखना। इस तरह से हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। अभी सारे बॉल्स को हम फ्राई कर लेंगे। उसके लिए पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो जाए फिर हम सारे बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इस तरह से हम सारे बॉल्स फ्राई कर लेंगे। हमारे बॉल्स एक साइड से क्रिस्पी हो जाए फिर हम उसे पलट के दूसरी साइड से क्रिस्पी कर लेंगे। मैं उसे ज़्यादा पलटते नहीं रहना है क्योंकि कच्चे केले हैं तो मैश हो सकते हैं, आपके बॉल्स का शेप बिगड़ सकता है। तो बॉल्स हमारे गोल्डन क्रिस्पी हो गए, तो फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारे बॉल्स फ्राई कर लेंगे। अभी ग्रेवी बनानी है, उसके लिए मैंने टमाटर लिया हुआ 1 किलो, उसको इस तरह से चॉप कर लेंगे और फिर उसमें पानी डालेंगे 4 ग्लास और फिर टमाटर को उबालने के लिए रख देंगे ताकि वो मैशी बन जाए। टमाटर को मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इस तरह से वो मैशी बन जाए। फिर टमाटर ठंडे हो जाए तो हैंड ग्राइंडर से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और सूप रेडी कर लेंगे उसका। फिर सूप को एक बाउल में हम छन्नी से छान लेंगे अच्छे से। इस तरह से हमें अच्छे से छान लेना है सूप को। फिर उसमें मैंने पनीर के क्यूब्स डाल रही हूँ। अभी तड़का लगाना है, उसके लिए मैं घी ले रही हूँ 1 चम्मच। उसमें जीरा डालेंगे, तेज और लौंग डालेंगे 3 से 4 पीस, कड़ी पत्ता डालेंगे और फिर तड़के को हम सूप में डाल देंगे। अब मसाले कर लेते हैं। उसके लिए मैं हल्दी डाल रही हूँ, हींग डालेंगे, फिर लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ, नमक और गरम मसाला डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर शक्कर डालेंगे 4 चम्मच और फिर सूप को उबालने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, तक वो गाढ़ा बन जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए सब। अब सर्व करेंगे। उसके लिए मैंने सर्विंग बाउल में पेटीज लिया हुआ है, जो कोफ्ता बनाया हमने वो, उसमें सूप डालेगा और ऊपर से घर की मलाई है वो डाल रही हूँ मैं। अगर आप इसे व्रत के अलावा बना रहे हो तो ऊपर से बारीक सेव डाल के भी गार्निश कर सकते हो।